हम बोल रहे हैं कि यार यार ये तो बिगड़ कर दोस्त क्या कर रहा है यार क्या मुझे यहां पर कहता असलम कोता अब तक जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्त मता कर दे किसी जेब पे हम तुम्हारे साथ हैं ए खालन कोफर पर था आखरत सा मैंने कोशिश की थी कि के वाले हमारे स्पीकर भी रहे हैं मिनिस्टर भी रहे हैं उनसे भी मैंने इल्तिजा की थी मगर फिर अल्लाह को मंजूर नहीं था वो इस दुनिया से अल्लाह से मिल गए मगर मुझे खुशी इस बात की है कि अकरम जो बिल्कुल उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है बड़ा नेक है ईमानदार है और कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए खिदमत कर सके ये बहुत बड़ी बात है। इनका ये कभी नहीं रहा है कि सिर्फ मैंने गुजरों की खिदमत करनी है बल्कि आम आदमी जो वहाँ पे है उसकी खिदमत करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि आप लोग इतने दूर से तशरीफ़ लाए खासकर ये रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है मगर आप आए और ईद के दूसरी तारीख पे आप लोग तशरीफ ला के अकरम साहब को आज हम इस जमात में शामिल कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये आपकी खिदमत कर सकें लोगों की खिदमत कर सकें और सुरन कोट को आगे चला सकें बहुत पसमानदा है गुरबत में पड़ा हुआ है बच्चे भी बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी बेकार हैं उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा कि हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे और इस रियासत को फिर से पटरी पे वापस लाएंगे मैं आज अभी इसी तरह इनको जमात में शामिल करता हूँ